Marital rape is not criminalized in India. For years, women's rights activists have tirelessly campaigned on the streets and in the courts to have it recognized as a crime. The absence of criminalization has left millions of women vulnerable to legal rape within their marriages. Chitra Avasthi's RIT Foundation is among the petitioners in the case before the Delhi High Court. The petition argues that without the right to refuse sex, married women are legally reduced to mere sexual and reproductive subjects. मैं रित फाउंडेशन बहुत सालों से चला रही हूँ. हम लोग कम्युनिटी वर्क करते हैं, औरतों के साथ काम करते हैं. तो उस समय कुछ मेरे पास औरतें आती थी जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम होती थी. वहाँ पर एक दो जो लड़कियाँ थीं उनकी जब मैंने केसेस सुने तो मुझे लगा कि जो इनके संग वायलेंस हो रही बहुत एक पेक्यूलियर तरीके की हो रही है. मतलब वो शराब पी के आएगा, मारेगा, गाली देगा, हर तरीके से बेइज्जत करेगा, देन ही विल फोर्स हिमसेल्फ ऑन दैट गर्ल. और जो लड़कियाँ थीं जब वो बताती थीं तो उनको बाकी सारी तकलीफ़ों के ऊपर वो तकलीफ़ उनको बहुत ज़्यादा लगती थी, जिसको वो कहती थी, महसूस करती थी, लेकिन उतना खुलकर बात नहीं करती थी उस पर. तब एक दिन एक पर्टिकुलर लड़की आई, उसका जब मैंने केस देखा मतलब शी वॉज इन पथेटिक कंडीशन. मुझे लगा कि अगर इस पर कुछ नहीं किया तो क्या किया. एंड वही चीज़ थी जिसने मुझको एक तरीके से प्रेरित किया कि इस पर कुछ किया जाए. The contention is that rape within marriage in India, even in the 21st century, remains legal due to criminal laws dating back to 1860. Exception 2 to Section 375 of the Indian Penal Code, 1860, explicitly exempts marital rape from being recognized as a crime. इस इशू को मैन वर्सेस वुमन ना किया जाए. ये ऐसा ना है कि सोसाइटी की दो जो है ग्रुप उनको आमने सामने हमने लॉगर हिट कर दिया. इसको इस तरह से नहीं देखा जाए. इसको इस तरीके से देखा जाए कि भाई जो लड़की तकलीफ में है वो उसके साथ चार आदमी भी खड़े ना, जो उसके भाई हैं, बाप हैं, बेटे हैं, जिनको उसकी चिंता है. तो इसको मेन वर्सेस वुमेन करने के बजाय हम लोग अगर एक पीड़ित वर्सेस पीड़क कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा. आप इसको बहुत दफ़ा इसको मैंने देखा, मुझे इससे बड़ा एतराज है कि बहुत दफ़ा इसको इंडियन चीज़ बताया जाता है, बहुत दफ़ा इसको भारतीय कल्चर से जोड़ा जाता है. भाई अगर ये कहीं नहीं था तो यूरोप के हर कंट्री में इसके अगेंस्ट क्यों लॉ बना हुआ है? आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज्ड है. तो ये भारतीय चीज तो नहीं है ना. जो कहे कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हाँ हमारे कल्चर का हिस्सा, आई मे साउंड वेरी टिपिकल, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे जो लिखे गए हैं शास्त्र लिखे गए हैं, मैं जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं मोक्ष प्राप्ति वाले उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ किताबें लिखी गई हैं सोशल कोड और ये सब, वहाँ पर किसी भी तरीके से जो आपके घर की लड़की है, बहू है, पत्नी है, उसको दुखी करने की मनाही है. In many countries, changing times have brought changes to laws recognizing non-consensual sexual intercourse by a husband with his wife as rape. In India, numerous petitioners have appealed to the Supreme Court to criminalize marital rape. With nearly 150 countries already having criminalized it, all eyes are now on the Indian judiciary. देखिए ये टर्म से ही मुझे प्रॉब्लम है, मैरिटल रेप. आप जब कह रहे हैं मैरिटल रेप, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या ये बात क्या है. रेप तो रेप है. अब वो चाहे मैरिटल है या नॉन मैरिटल है, शादी के बाद है, शादी से पहले है, गैंग में है, अकेले में है, रेप तो रेप है ना. रेप का डेफिनेशन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, IPC में? इट सेज जहाँ पे आपकी बॉडी की वायलेशन हो रही है आपकी इच्छा के विरुद्ध, दैट इज़ रेप. अब उससे रेलेवेंट मुझे बताइए क्या है कि जस्ट बिकॉज आपने कुछ रिचुअल्स कर लिए, आपने कमिटमेंट सोशली कर ली, या आपने कुछ साइन कर दिया लीगली कोई डॉक्यूमेंट, क्या आप एलिजिबल हैं किसी का बलात्कार करने के लिए? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हैं आपकी बीवी होने के लिए या आपको वाइफ कहने का अधिकार हो गया तो आप बलात्कार कर सकते हैं. तो मुझे इस टर्म से ही इशू है. मैरिटल रेप शब्द ही हटना चाहिए. रेप रेप होता है, चाहे वो आपके हस्बैंड करें, पार्टनर करें, या कोई स्ट्रेंजर करें. जिस तरह की सज़ा स्ट्रेंजर को मिलती है बलात्कार करने के लिए, वैसे ही सज़ा एक इंसान जो आपको जानता है, उल्टा उसको तो ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, उसने आपको और ज़्यादा वायलेट किया है. तो मुझे लगता है कि रेप रेप होता है, चाहे वो मैरिटल हो या नॉन मैरिटल हो. अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अमंग मैरिड वुमेन एज्ड 18 to 49 हु हैव एवर एक्सपीरियंस्ड सेक्सुअल वायलेंस, 83% रिपोर्ट देयर करंट हस्बैंड एज अ परपेट्रेटर, एंड 13% रिपोर्ट अ फॉर्मर हस्बैंड.
This shows the urgent need to remove the legal immunity that husbands currently enjoy. देखिए इस ये एक महिलाओं के ह्यूमन राइट्स का सवाल है और उनकी जो हमारी जो महिलाओं की सशक्तिकरण का जो सबसे पहला मुद्दा है वो उनका अधिकार उनके शरीर पर और उनकी चॉइस, ये तीनों को वायलेट करता है क्योंकि ना तो ये महिलाओं के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, उनकी चॉइस का वायलेशन है और जो उनका अपने शरीर पर अपना अधिकार होना चाहिए उसका भी वायलेशन है। इस मुद्दे को हम लोगों ने निर्भया रेप केस के बाद जो वर्मा कमीशन बना था उसमें सबसे पहले उठाया था और वर्मा कमीशन के टाइम पर चूँकि वो रेप लॉ को ही ठीक करने के लिए हो रहा था तो उसलिए उसमें सेक्सुअल असॉल्ट, रेप को हमने सेक्सुअल असॉल्ट बोला और ये असॉल्ट जैसे कि पब्लिक में हो सकता है, जैसे कि परिवार के अंदर हो सकता है, वैसे बेडरूम में भी होता है और इसीलिए ये बात हम लोगों ने वर्मा कमीशन के सामने रखी थी। लेकिन जब वो शामिल भी की गई थी कि अगर कंसेंट नहीं है तो फिर मैरिटल रिलेशनशिप होने के बावजूद भी पुरुष को हक नहीं बनता है कि वो औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो ऐसे में ये बात साफ हो गई थी कि पूरे महिला आंदोलन की तरफ से ये सवाल सामने लाया गया था और तमाम इस पर विचार विमर्श भी हम लोगों ने किया था। लेकिन जब ये बात शामिल की गई रिकमेंडेशन में और पार्लियामेंट पे रखी गई तो फिर वो उसमें से निकाल दी गई, बाकी सब बातें स्वीकार हुई, पास हुई, डेफिनेशन सही किया गया, पनिशमेंट का क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ाया गया, सब कुछ माना गया लेकिन मैरिटल रेप की बात नहीं मानी गई। तो तर्क ये दिया गया कि हम पुलिस को बेडरूम में नहीं घुसा सकते हैं, एक चीज़। दूसरा तर्क ये दिया गया कि भाई आप साबित कैसे करेंगे कंसेंट था कि नहीं था, और तीसरी बात यह कि अगर रिश्ते खराब हो रहे होंगे तो फिर औरतें इसका दुरुपयोग करेंगी, और चौथी बात ये कही गई कि तमाम परिवार और शारीरिक और संबंधों की जो एक जैसे हमारे पर कॉन्जुगल राइट्स का हमारे यहाँ कानून है कि हक है कि हम अगर मैरिड हैं तो हमें कॉन्जुगल राइट्स मिलनी चाहिए, तो इसका भी एक तरह से समाधान इसमें नहीं मिल रहा है। और आखिरी बात ये कि परिवार टूटेगा, आसानी से टूटेगा, लेकिन ये पाँचों बातें गलत हैं। The laws in India related to rape are so antiquated and in violation of human rights and dignity of women that last year the Karnataka High Court ruled that sexual assault on a dead woman's body does not constitute rape under Section 376 of the Indian Penal Code. Consequently, a man was acquitted of rape charges after he sexually assaulted the body of a 21-year-old woman he had murdered. I have been dealing with many cases and out of that I have two cases. One was from Kanpur. She was a lady and she came to me with a complaint that she has been harassed in the hands of her spouse and she wants justice for that, and she also told me that a divorce case has also been pending filed by her husband. So I was really shocked that how a husband can do such kind of cruelties and after that he can seek divorce. And there was an incident that in the intervening night when she got late from her work, and she already informed her husband through message and WhatsApp message that she is late and she won't be able to make it to come and prepare the dinner for their whole family. So she was so much harassed, she was beaten by belt of his husband, and then she was in a very bad manner, she was intercourse was done with her. ये वाले जो बलात्कार होते हैं जिसको आपने मैरिटल रेप या कॉन्स्टिट्यूशन ने या पब्लिक सोसाइटी ने ये नॉर्म दिया है कि मैरिटल रेप है, वो चार दीवारी के अंदर होता है और क्योंकि जो रेप बाहर होते हैं कैमरा में कैद होते हैं या विटनेसेस होते हैं उनको प्रूफ करने में थोड़ा आसानी होती है, इसको बताने में हाउ विल यू डिफाइन, मतलब कहाँ विटनेसेस मिलेंगे आपको, कहाँ प्रूफ मिलेंगे आपको, क्योंकि तो ये शादी के अंदर हो रहा है, तो दैट इज़ दी ओनली कैच। इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें चाह रहे थे कि जो भी कानून बने वो सोच समझ कर इसमें ग्रे एरियाज़ को कवर करें, और कानून नहीं है इसीलिए तो हम लड़ाई कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि होना चाहिए, कानून होना चाहिए। The Justice Verma Committee formed after the Nirbhaya case recommended the criminalization of marital rape. The judgment of the European Commission of Human Rights states that a rapist remains a rapist, regardless of his relationship with his victim.
The movement to criminalize marital rape in India is a crucial step towards ensuring the dignity and safety of women. As the world watches, the Indian judiciary has the opportunity to align with global human rights standards and safeguard the rights of women, ensuring they are not legally raped within the confines of their own marriages.